राजपूत करणी सेना ने राजपूत महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में राजकोट से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। और राजपूत करणी सेना सर्व समाज को साथ लेकर राजस्थान सहित पूरे देश में हमारी भूल कमल का फूल ही तर्ज पर मतदान करेगी। चित्तौड़गढ़ में एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हुए राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराणा ने कहा कि जिस तरह से भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, वैसा उनके गृह क्षेत्र गुजरात में दिखाई नहीं दे रहा है, जहां पर राजकोट में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ देशव्यापी मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से पिछले दिनों रूपाला ने राजपूत महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है, उसे किसी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं उन्होंने कहा कि अगर भाजपा उनका टिकट नहीं कटती है तो राजपूत करणी सेना राजस्थान के साथ पूरे देश भर में कमल का फूल हमारी भूल तर्ज पर एक मुहिम चलाएगी, जिसमें राजस्थान के साथ अन्य प्रदेशों में भी राजपूत करणी सेना सभी समाजों को साथ लेकर भाजपा का विरोध करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा का दोहरा चरित्र अब सामने आने लगा है और भाजपा राजपूत विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रही है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण चित्तौड़गढ़ में देखने को मिला है, जहां पर एक राजपूत युवा का टिकट काटकर जयपुर विद्याधर नगर के नरपत सिंह राजवी को टिकट देकर समाज के लोगों को लड़ाने का काम बीजेपी कर रही है, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को भी आगाह किया है कि अगर शीर्ष नेतृत्व तक पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटने की मांग को नहीं पहुंचाएंगे तो उन्हें भी लोकसभा चुनाव के मतदान के समय यहाँ राजपूत करणी सेना के साथ सर्व समाज का विरोध झेलना पड़ेगा और हमारी भूल कमल का फूल तर्ज पर मतदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर उनका टिकट नहीं काटा जाएगा तो देश में देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत चित्तौड़गढ़ से ही की जाएगी, जिसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष से हमें सीपी जोशी से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है केंद्र में बैठे हुए उसे दूषित मानसिकता के व्यक्ति का, जो कहीं ना कहीं पुरुषोत्तम रूपाला के टिकट काटने में रोड़े का काम कर रहा है, कहीं ना कहीं रुकावट का काम कर रहा है। सीपी जोशी साहब, आपको हमारी बात को दिल्ली में रखना पड़ेगा, नहीं तो हम मजबूरी में यहां से शुरुआत करके जा रहे हैं और यहां जब तक रूपाला का टिकट नहीं कटता, मोदी तुझसे बैर नहीं, रूपाला तेरी खैर नहीं, और टिकट बरकरार रखता है बीजेपी। अगर उनका टिकट बरकरार रख के अगर नॉमिनेशन करती है तो कमल का फूल हमारी भूल इस मेवाड़ की धरती चित्तौड़ से मैं आपके सामने बोलकर जा रहा हूं। मैं कोई चंद्रमा नाकिया की पैरवी नहीं कर रहा हूं, ना कोई राजपूत, मैं बात कर रहा हूं बीजेपी के दोहरे चरित्र की। नहीं पर टिकट तो राजपूत, मैं वही बोल रहा हूं बीजेपी के दोहरे चरित्र की बात कर रहा हूं। यहां के एक राजपूत का टिकट काट दिया गया और दूसरे राजपूत को मारने के लिए यहां भेज दिया गया, तो दो आदमियों की हत्या एक साथ करी कि नहीं करी? जो राजपूत वहां से जीत सकता था, जहां से हमेशा विद्याधर सीट से सीट जीतते थे नरपत सिंह जी राजवी, जो चौथे स्तंभ थे भैरू सिंह शेखावत इस बीजेपी के, उनके जवाई का हत्या कर दी गई और दूसरे युवा राजपूत को मारने के लिए उसका टिकट काट दिया गया, तो दो राजपूत को मरवाना किस कहां पे उचित, आप मुझे बताइए। संस्थाएं कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद का उम्मीदवार है पुरुषोत्तम रूपाला, उसने महिलाओं के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया, राजपूत महिलाओं के लिए गलत बोला है, टिप्पणी करी, अंग्रेजों से उनका रिश्ता बताया, रोटी बेटी का रिश्ता बताया और भी काफी अभद्र टिप्पणी करी है। उसके खिलाफ गुजरात का राजपूत, गुजरात के राजपूतों के साथ अन्य कौमें पिछले 15-20 दिन से सड़कों पे, और हम लोग आज इस वीर पुरुषोत्तम धरती ये चित्तौड़ से हम लोग इसका आगाज कर रहे हैं राजस्थान के लिए। क्यों कर रहे हैं? पद्मावत का भी आगाज हमने यहीं से किया था, जौहर जहां पे महिलाओं ने किया दो दो बार, हजारों महिलाएं जल के राख हो गई अपने स्वाभिमान के लिए, वहां से हमने मान सम्मान की लड़ाई चालू करी है। और मैं बोलना चाह रहा हूं अल्टीमेटम में राजस्थान सरकार को, सीएम को और सबको, यहां के प्रदेश अध्यक्ष यहां से चुनाव लड़ते हैं, पिछली बार हमने सपोर्ट किया पर अब की बार सपोर्ट नहीं हो पाएगा जब तक आप लोग इसके विरोध में उसकी टिकट नहीं कटवाते। अगर टिकट नहीं कटवा पाए तो जिन लोगों ने आपका समर्थन दिया, दो बार का एमपी बनाया, हम अब की बार आपके खिलाफ में खड़े होंगे। यहां नहीं, 25 के 25 सीटों में हम लोग जाएंगे, राजपूत समाज को खड़ा करेंगे और बाकायदा इस दोहरे मापदंड जो राजपूत समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना रही है उसकी हम लोग विरोध पूरे राजस्थान में करेंगे, पूरे देश में करेंगे। 16 तारीख को नॉमिनेशन की लास्ट तारीख है, अगर रूपाला ही नॉमिनेशन भरता है तो 14 को हम लोग राजकोट में बड़ा प्रोग्राम करेंगे, 16 के बाद जहां जहां हम लोग हो सकता है पॉसिबल है कि यहीं से वापस से इस विरोध का संचालन करें।